बॉस के घर में एंट्री से पहले विकी ने किया था नील को कॉल। ऐश्वर्या की दोस्त आशना ने किया है बड़ा खुलासा। वेल, बिग बॉस के घर में एंट्री से पहले जो कंटेस्टेंट बात कर चुके हैं उस बारे में यहाँ पर सलमान को पता चला है, बिग बॉस के मेकर्स को पता चला और वही चिट्ठा खोलते हुए वीकेंड के वार में सलमान नजर आ रहे हैं। साथ ही लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों ने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उसमें बाकायदा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे थे, क्या आपने उसको सही से पढ़ा था? क्योंकि यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि बताइए कौन कौन है वो जिसने बिग बॉस के घर में एंट्री से पहले बात करके आए, कहीं ना कहीं कुछ कंटेस्टेंट प्लानिंग प्लॉटिंग करके आए, वो चीज़ नज़र भी आ रही थी। अब यहाँ पर विक्की हाथ उठाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ उन्होंने नील को कॉल किया था। अब यहाँ पर सलमान खान सना से कहते हैं बताओ जो इस तरीके की रूल तोड़ता है उसका क्या होता है। सना कहती है कि ऐसे लोगों को शो से निकाला भी जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर जो कि ऐश्वर्या की दोस्त आशना है उनका ये कहना है कि विक्की का कॉल आया था, कुछ बात हुई थी लेकिन कुछ स्ट्रैटेजिक नहीं किया था। नील ने कहा था चलो ठीक है देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस इतनी बात हुई थी, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं बनी थी। अब देखना है क्योंकि फोन पे बात हुई है तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से विक्की हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा गेम में इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो गेम के हिसाब से ही सारी चीजें चल रही हैं। थोड़ी बहुत ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ लोगों से बात की है, वो बाकायदा स्ट्रैटेजी के साथ बिग बॉस के घर में एंटर किए हैं, उनको पता है कि कैसे क्या गेम खेलना है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ईशा के लिए भी बोला था कि ये सब मतलब हमारे सपोर्टर हैं, सपोर्ट के लिए भी होना चाहिए, तो यहाँ पर गेम की प्लानिंग तो हुई है, उसी को लेकर के सलमान एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। थैंक यू।